मैं मानती हूँ मेरा एक वर्ड की वजह से जो दिक्कत हुई थी मेरी गलती, मैं मान ली। हेलो गाइस, तो गाइस अरमान मलिक के बाद अब पायल मलिक ने भी विशाल पांडे के साथ में जो कुछ बिग बॉस के घर में हुआ है उस चीज के लिए माफी मांगी है। जी हां दोस्तों, कल के वीकेंड के वार में अरमान मलिक ने माफी मांगी थी और अब पायल मलिक ने एक व्लॉग वीडियो बना करके कहा है कि मुझसे गलती हो गई थी, वहां पर मैंने गलत बोल दिया था और मेरे गलत बोलने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, तो मैं भी इस चीज के लिए माफी मांगती हूं। तो गाइस अब मेरे को ना किसी से कुछ बोलना ही नहीं है। अरमान जी ने इतने बड़े नेशनल टीवी पे उन्होंने जो थप्पड़ मारा था उसकी माफी मांग ली है, वो बहुत बड़ी बात है। मुझे भी अब उस पर बात नहीं करनी, मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। विशाल ने और अरमान ने और कृतिका ने इस टॉपिक को खत्म कर दिया, तो मैं भी इस टॉपिक को खत्म कर रही हूँ। पर अब जो रियलिटी आएगी ना लोगों की, अभी तक तो सिर्फ अरमान और कृतिका और पायल विलन थे, पर अब जो ना इस गेम के अंदर रियलिटी आएगी लोगों की, वो आप भी देखना प्लीज, हमें छोड़ के देखना। हमारे को तो आपने जितना नेगेटिव बोलना था, जितना गालियां देनी थी वो दे चुके हो आप। अब आप बाकी टेस्टेंट पे अपनी नजर डालो कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जी सर भैया, सारी चीजें जो है यही खत्म हो गई। हाँ। विशाल ने भी बोला टॉपिक खत्म करो, उसके पेरेंट्स को भी इसने बीच में टोका टॉपिक खत्म करो। हाँ। तो गाइस बस अब इस टॉपिक को नहीं छोड़ देना। मैं मानती हूँ मेरा एक वर्ड की वजह से जो दिक्कत हुई थी मेरी गलती, मैं मान ली। अरमान जी ने भी सॉरी बोल दिया है। हाँ। विशाल को उन्होंने कंसोल भी किया था, वो रो रहा था। तो बस अब इस बात को यही खत्म कर दे। अब यहाँ पर दोस्तों पायल मलिक ने इस पूरे मामले पर माफी तो मांग ली है, लेकिन फिर भी पायल मलिक और अरमान मलिक की पूरी फैमिली को सोशल मीडिया पर हेट मिल रहा है। के सभी कमेंट सेक्शन में उनको गालियां ही पड़ रही है, उनको पब्लिक हेट दे रही है। बाकी आप लोग अरमान मलिक की फैमिली को लेकर क्या कहना चाहोगे और पायल मलिक ने जो सॉरी बोला है, माफी मांगी है, उस पर आप लोग क्या कहना चाहोगे, उस पर आप लोग आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और अपडेट के लिए।